Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you are healthy and happy wherever you are. After a really long time, I'm doing such videos जिसमें product recommendation करती हूँ that actually made my life very easy. मैं एक दो साल पहले ऐसी videos बहुत बनाती थी like Amazon finds products that made my life easy. तो ये उसी का ही latest edition है. आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ top 7 my current favorite products that actually made my life very easy. यार मतलब इन सबको use करने के बाद ऐसा लगता है मैं पहले जो use कर रही थी वो क्यों ही कर रही थी, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है, मेरा टाइम बचता है, मेरा एफर्ट्स कम लगता है और रिजल्ट अच्छे मिलते हैं. सो ये सारे मेरे करंट फेवरेट चल रहे हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. आइटम नंबर 1 आर दीज पाउडर पफ. अगर आपने मेरा मंथली फेवरेट नहीं देखा होगा तो मैं दोबारा बता देती हूँ, आई एम लविंग दीज. ये मैं 1.5 महीने से कॉन्टिन्यूस यूज कर रही हूँ. सो आज के लिए काफी वायरल चल रहे हैं, आपने बहुत लोगों की वीडियोज में भी देखा होगा, ये ऐसे ट्राइंगल शेप के पाउडर पफ चल रहे हैं विच आर वेरी सॉफ्ट. ये वो आपके रेगुलर वाले जो कॉम्पैक्ट के अंदर पफ आता ना, ये वो नहीं है. द बेस्ट पार्ट इज यू कैन यूज इट इन मल्टीपल वेज. एक तो इसकी शेप बहुत अच्छी उन्होंने बनाई है, जो ये ट्राइंगल शेप है ना ये बहुत अच्छे से फिट हो जाती है आपके अंडर आई क्रीजेस पे. लाइक अगर आपको थोड़ी सी बेकिंग करनी हो, सेट करना हो, अगर आपको यहाँ से कॉन्टोर शार्पली थोड़ा सा निकालना हो. बट मेरा जो फेवरेट यूज है वो है कैरिंग पर्पस के लिए. मैं इसको रखती हूँ अपने कॉम्पैक्ट के साथ और मेरा फेवरेट कॉम्पैक्ट है, अगर आपको नहीं पता, शुगर का प्ले बनाना कॉम्पैक्ट. मैं इसको बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, लिटरली मैंने पैन हिट कर दिया, आप देख सकते हो. सो इसमें नीचे सेपरेट स्पेस और अच्छी स्पेस है ना, तो मेरा फिट भी आ जाता है. मैंने थोड़ा सा इसको ठुसा के डाला हुआ है, बट देयर यू गो, मैंने इसको इसके अंदर ही रखा हुआ है. सो व्हाट आई डू, जब भी मैं कहीं बाहर होती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, मैं कोई ब्लोटिंग पेपर या फिर टिश्यू लेके पहले उसको डैप करती हूँ, फिर इसको इसमें पिक करके, ये देख सकते हो कितने अच्छे से आ गया प्रोडक्ट, एंड देन आई जस्ट यूज इट टू सेट माय अंडर आईज लाइक दिस. एंड दिस वर्क्स फार फार बेटर देन दोस कॉम्पैक्ट, लाइक ट्रस्ट मी. आई थिंक मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाती हूँ. कैन यू सी यहाँ की शाइन जो थी और यहाँ पे कितना अच्छे से वो मैटिफाई हो गया, बिल्कुल भी कोई व्हाइट व्हाइट ऐसे क्रीजिंग नहीं लग रही. ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट भी अच्छा है, बट ये पफ बहुत अच्छे से वर्क करता है. अगर आपके उसके कॉन्टोर पाउडर भी है ना, आप डायरेक्टली इसे कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो. आपके कॉम्पैक्ट में स्पेस नहीं है तो आप अलग से भी एक पाउच के अंदर डाल के रख सकते हो, बट आई वुड से हाईली हाईली रिकमेंडेड इन योर बैग. अगर आप ऑयली स्किन गर्ल हो ना तो ये तो रखो ही अपने बैग में. आपका कोई भी कॉम्पैक्ट हो वो उससे 10 times बेटर वर्क करता है एज कम्पेयर टू जो उनके गंदे से पफ आते हैं. एंड यू कैन क्लीन दम एज वेल. ये मैंने एक धोखे भी देखा था, इसके अंदर ऐसे कॉटनी कॉटनी कुछ मटेरियल है, तो मैंने इसको अच्छे से वॉश भी किया हुआ है, ये वॉश भी हो जाते हैं. सो डेफिनेटली 400 rupees में 10 puffs आपके बहुत लंबे चलने वाले हैं. सो दीज आर डेफिनेटली समथिंग दैट मेड माई लाइफ रियली इजी. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस आइस रोलर. सो क्या है ना, मुझे एक्ने के इशू है, काफी ज्यादा इन्फ्लेमेशन रहता है, तो मेकअप करने से पहले मैं हमेशा आइसिंग किया करती थी. और जब आइस ऐसे रब करो ना, ये तो डायरेक्ट आइस यूज नहीं करनी चाहिए. मुझे ये बात पहले नहीं पता थी, मैं डायरेक्ट आइसिंग करती थी. मुझे बाद में पता चली कि आपको ये कॉटन में उसको रैप करके, या फिर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट हो आइस के साथ, वो भी अच्छा नहीं होता स्किन के लिए. तो मैं उसको रुमाल में लपेटती थी, ऐसा सारे को ड्रिप होता था पानी और अच्छे से यूज भी नहीं हो पाता था. प्लस काफी बार बॉडी पर भी ऐसा होता है, आप कहीं धूप में जाते हो बंपीनेस हो जाते हैं, आपने शेविंग करी है, वैक्सिंग करी है, कोई भी ट्रीटमेंट कराई है, उससे आपको बंपीनेस होती है, तो तभी भी आपको आइसिंग करने की नीड होती है. सो लिटरली ये रोलर सबसे बेस्ट, आई लिटरली मेड माई लाइफ सो ईजी. एक तो ये बहुत बड़ा है ना, तो ये बॉडी फेस पूरा कवर कर देता है, आप इसको निकाल के सैनिटाइज भी कर सकते हो. सो ये बेसिकली दिखता है कुछ इस तरह से. मैंने 1 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी ऑन यूबे वेबसाइट, उसमें मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेंशन किए थे, उसमें से ये एक प्रोडक्ट है. ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, यूबे पर भी मिल जाएगा. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अच्छा खासा एकदम क्लासी लगता है, मतलब मुझे इसकी पैकेजिंग भी काफी अच्छी लगती है, बड़ा पिंक पिंक क्लासी है, एस्थेटिक वाइब्स दे रहा है. सो इसमें जो रोलर है ना, ये रिमूव हो जाता है एक साइड से, आप हल्का सा लूज करो, ये रहा रोलर. सो इसके अंदर आपको यहाँ पे जेल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे ऐसे हल्के हल्के जेल है, अगर आप इसको मूव करोगे ऐसे मूव भी होते हैं. सो इसी को आप डायरेक्टली अपने फ्रिज में रख सकते हो. मैं इसको आइस ट्रे या फिर कोई कॉर्नर में ना पीछे रख देती हूँ, ये ठंडा हो जाता है. इसके अंदर जो जेल्स है वो अच्छे खासे एकदम चिल ठंडे हो जाते हैं. यू कैन यूज इट ऑन योर फेस, अच्छे से फेस पर भी यूज हो जाता है, ऐसे रोलिंग भी कर सकते हो. आपने कोई शीट मास्क अप्लाई किया उसका भी कूलिंग इफेक्ट चाहिए तो उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर बॉडी के लिए भी काफी अच्छा है. इसी को आप सैनिटाइज करके एक बार पानी से वॉश कर लो और फिर आप इसको अपनी बॉडी पे भी यूज कर सकते हो और फिर अपने हैंड्स लेग्स जहां यूज करना है कर सकते हो. आई थिंक दिस इज वेरी वेरी कन्वीनियंट. अगर आप कुकिंग करते होता ना, काफी बार बर्न मार्क आ जाता है, जल जाता है, और वो आइस रब करने से अच्छा है वो मेल्ट होती जाती है और ज्यादा टाइम लेता है, उससे बेटा आप ये अप्लाई कर लो, फटाफट ऐसे रब करो ना, तो एक अच्छी सूदिंग सेंसेशन मिलती है. सो डेफिनेटली दिस मेड माई लाइफ रियली ईजी. सो हमने फेस की तो बात कर ली कि फेस पर पफिनेस हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो पूरे फेस पर आइसिंग कर लो. बट वॉट अबाउट जस्ट योर अंडर आइज? देयर आर टाइम्स जब सुबह सुबह उठते हैं हमारी आइज इतनी ज्यादा पफी होती हैं, या कहीं जाना होता है, या फिर कभी कभी नींद पूरी नहीं होती, तो आइज बड़ी अजीब सी थकी थकी लगती है. पफिनेस तो होती है, साथ साथ रिंकल्स फाइन लाइन्स भी आने शुरू हो जाते हैं एज के बाद, और डार्क सर्कल्स तो एक अलग इशू है ही थैंक्स टू आर पथेटिक लाइफ स्टाइल. सो उसके लिए क्या होता है, हम काफी बार एक अलग से टूल लेते हैं ताकि हम अंडर आइज से मसाज कर सकें, फिर हम कुछ अलग से प्रोडक्ट भी लगाते हैं. सो एज समथिंग विच इज लाइक 2 in 1, यू गेट 2 products in 1 single product. यह है एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस लुमिनस अंडर आई जेल.
मैंने जस्ट अभी इसका मेंशन अपने इंस्टा स्टोरीज पर भी किया था एक दो हफ्ते पहले, मैंने जब उनकी डील सेल चल रही थी तभी भी इसको मेंशन किया था। आई पर्सनली लव्ड इट। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। यहाँ पे आपको एक मेटल की टिप मिलती है, यहाँ पे आपको होल दिख रहा होगा, सो व्हेन यू पुश इट तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट है वो डिस्पेंस होना शुरू हो जाता है। इट हैज अ जेल बेस्ड टेक्सचर, काफी लाइट, एकदम इसका पतला जेल बेस्ड टेक्सचर है जो काफी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, वेरी वेरी क्विक एब्जॉर्बिंग। सो ये ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट है, बिकॉज काफी बार जब मैं अंडर आई के लिए कोई प्रोडक्ट देखती थी ना, उनमें कुछ ना कुछ ऑयल्स होते थे और फिर अगेन मेरी आईज और ज्यादा ऐसे ग्रीसी ग्रीसी फील होती थी। सो अगर आपकी अंडर आईज लाइक आपकी स्किन टाइप ऑयली है, लेकिन अगर आपकी अंडर आईज पर ड्राइनेस है, आपको चाहिए वहां पे एक नरिशमेंट भी आए लेकिन मेरी अंडर आईज ग्रीसी ना लगे, दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई। मेटल टिप है ना, जब आप उसे मसाज करते हो ना, ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को कूलिंग सेंसेशन देती है, अंडर आईज पर जो पफिनेस होती है उसको भी कम करने में हेल्प करती है। एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट डिस्पेंस हो रहा है वो तो ऑब्वियसली इफेक्टिवली वर्क करेगा ही करेगा, आपके डार्क सर्कल्स, फाइन लाइन्स, रिंकल्स, जो भी चीजें होती हैं। इसके की इंग्रीडियंट्स की अगर बात की जाए, सबसे पहले इसमें पपाया, फिर है इसमें वाइटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड एंड कैफीन, ये सारे इंग्रीडियंट्स एकदम परफेक्ट हैं आपके जो भी अंडर आई पे इश्यूज होते हैं उनसे डील करने के लिए। मैं एक रियलिटी चेक दे देती हूँ, खाली ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल खराब लाइफस्टाइल जी रहे होगे, रात को लेट सो रहे होगे, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम देखते हो, स्पेक्स भी नहीं पहनते, आप ब्लू कट स्पेक्स नहीं पहनते एंड देन यू एक्सपेक्ट कि मैं खाली एक प्रोडक्ट लगाऊं मेरे डार्क सर्कल्स चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता, एक बैलेंस आपको चाहिए होता है। तो लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के साथ साथ आप ऐसे प्रोडक्ट्स भी जब यूज करोगे ना, आपको एक अच्छा विजिबल डिफरेंस दिखेगा। कशी का हैक मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे बेटर रिजल्ट लेने के लिए आप इसको फ्रिज में रखो, नॉट इन फ्रीजर, नॉर्मल नीचे फ्रिज में रखना, बिकॉज मेटल टिप है ना प्लस जेल टेक्सचर इतना सॉलिडिफाई नहीं होने वाला। मेटल टिप जब ठंडी हो जाती है ना फ्रिज में, उसके बाद जब आप इसको अप्लाई करते हो, उससे कूलिंग सेंसेशन से आपकी पफिनेस बहुत अच्छे से कम हो जाएगी। सो अगर आप मॉर्निंग में बहुत ज्यादा पफी आइज से उठते हो, आपकी कोई मीटिंग है, कहीं जाना है, आप चाहते हो आपकी आईज ऐसी थकी हुई ना लगे, तो ये हैक आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सो ये तो हो गया इनका अंडर आई जेल। इनके सेम रेंज का नाइट जेल भी आता है, यह एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस स्मूथ नाइट जेल। अगेन इसका भी टेक्सचर एकदम पतला, जो जेल लाइक होता है ना वैसा है, और ये मैंने पहले भी रिव्यू किया हुआ है। आई लव द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस वन। इसके एकदम वो जो हम बचपन में ऑरेंज कैंडी खाते थे ना, इसकी बिल्कुल वैसी खुशबू आती है, बट द फ्रेग्रेंस इज नॉट इरिटेटिंग। ये एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस होती है, ये इरिटेट नहीं करती आपकी स्किन को, बहुत लाइट है स्किन पर, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता। सो अगेन आपकी सुप्रीमली अगर ऑयली स्किन हो, ये भी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आप इसकी एक लाइट थिन लेयर रात को अप्लाई करके सो सकते हो, एक अच्छी लेयर बनी रहती है ना, तो स्किन पर भी अच्छे से वर्क करती है। इसके अंदर भी आपको सिमिलर इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, पपाया, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, कैफीन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके फेस के लिए भी अच्छे होते हैं, जो भी एक्ने मार्क्स हैं, जो भी ड्राइनेस हो जाती है। विंटर्स में काफी बार ड्राइनेस हो जाती है, लेकिन ऑयली स्किन है तो हम कुछ हैवी क्रीम बेस नहीं यूज करना चाहते, तो उसके लिए काफी अच्छा सोल्यूशन है। बेस्ट पार्ट इज एक्वालॉजिका के जितने प्रोडक्ट्स हैं इनमें यूनिक वॉटलॉक टेक्नोलॉजी है, सो ये मॉइस्चर को लॉक करके चलती है आपकी स्किन के अंदर, बहुत अच्छी एक हाइड्रेशन का बूस्ट देती है और एक अच्छा ग्लो आता है आपकी स्किन पर। ऑल्सो एक्वालॉजिका इज अ ब्रांड दैट इज पीटा अप्रूव्ड एंड क्रुएल्टी फ्री। एट द सेम टाइम दे आर फ्री फ्रॉम ऑल दोज नास्टी केमिकल्स लाइक पैराबिन, सल्फेट, थैलेट, मिनरल ऑयल, तो कहीं ना कहीं सेफ है आपकी स्किन के लिए। यू कैन ग्रैब दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम एक्वालॉजिकास ऑफिशियल वेबसाइट। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो कशिका 20 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ। लेकिन अगर आप लेना चाहते हो, ये आपको अमेजॉन नायका से भी मिल जाएगा, लेकिन वहां पर ये कोड एप्लीकेबल नहीं होगा एंड दिस कोड इज नॉट एफिलिएट। मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, मैं इससे कुछ अर्न नहीं कर रही, दिस इज जस्ट फॉर माई ऑडियंस। बाकी जो भी डिटेल्स होगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज समथिंग फॉर द नेल्स। सो मैंने रिसेंटली कराए थे नेल एक्सटेंशन, उसके बाद जब मैं एक्सटेंशन निकलवाने गई, बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई थी मेरे नेल्स की। मतलब मुझे देख देख के ऐसा हो गया था कि बड़े गंदे लग रहे थे, और एक्सटेंशन कराने के बाद एक होता है कि यार नेल्स इतने सुंदर थे, अब इतने अजीब लग रहे हैं। सो मैंने उसी टाइम मुझे लगा जेल नेल्स करा के देख लेती हूँ। आई थॉट जेल नेल्स कम डैमेजिंग होंगे, सो मैंने उसी टाइम उनको हटवा के जेल नेल्स करा लिए थे। और जब वो एक्सटेंशन उतार रही थी ना, उन्होंने बाकी तो आगे से कट कर दिया था, उसके बाद वो बफ कर करके उसको रिमूव कर रही थी, और वो निकालने के उन्होंने एक्स्ट्रा 500 रुपीज लिए थे, बाकी जो जेल नेल के प्राइस थे वो अलग थे। तो फाइनली जब मैं जेल नेल से भी थक गई थी, वो चिप होने लगे थे, उसके बाद मुझे लगा मैं खुद ही रिमूव कर लेती हूँ, बिकॉज वो सैलॉन में भी ऐसी बफ कर करके रिमूव कर रही थी, तो मैं क्यों 500-600 एक्स्ट्रा दूँ। सो उस टाइम पे ये दो प्रोडक्ट्स ने काफी ज्यादा मेरी जान बचाई है। सबसे पहले मैंने ये वाला प्रोडक्ट यूज किया था, ये मैंने अमेजोन से सोलिमो की ही एक छोटी सी मैनिक्योर पेडिक्योर एक नेल की किट थी, वो ली थी, मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में दिखाई हुई है। ये उसका फाइलर है बेसिकली, सो एक साइड से कुछ ऐसा आप देख सकते हो कितना ज्यादा ये घिस चुका है। मैंने इसी साइड से पूरा जो जेल नेल्स थे ना वो निकाले, सो इससे काफी अच्छे से वो ऊपर की लेयर निकल गई थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो एक नेल्स रफ हो जाते हैं, नेल्स एक अजीब से अनइवन लगते हैं, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा काम आया ये काला बार का बफर। ये है काला बार का क्विक फिक्स 4-वे नेल बफर, ये मैंने रिसेंटली अमेजोन से ही ऑर्डर किया था। ये 4-in-1 प्रोडक्ट है, दिस इज समथिंग यू कैन हैव इट इन योर बैग एज वेल, बिकॉज एक प्रोडक्ट के अंदर आपको चारों चीजें मिल रही हैं। सबसे पहले आपको मिलता है शेप, यहाँ पे लिखा हुआ है शेप, उसके बाद आपको मिलता है 2-पे स्मूथ। सो शेप से आप थोड़ी सी शेपिंग दे सकते हो, एज इन आप जो एंड्स होते हैं इससे ऐसे बफ कर सकते हो। अभी आप मेरे नेल्स यहाँ देख रहे हो, दीज आर माई रियल नेल्स बाय द
लगा है पूरे ऐसे अनइवन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वीक पड़ गए हैं, बिकॉज ये जो जेल एक्सटेंशंस और ये जेल नेल्स करा के ना, वो ऐसे ऊपर से बफ करते हैं आपके नेल्स, नेल का जो बेड होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो इसलिए मैं अभी वो सब नहीं कराने वाली, मेरा हो चुका है। तो मैंने थोड़ा बहुत उनको शेप देने के लिए यूज़ किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने ये वाला भी यूज़ किया है, दिस इज़ वेरी नाइस, दिस जस्ट टू जस्ट स्मूदन अप योर नेल्स। ऊपर जो अनइवननेस होती है ना, जो ये बफिंग करने की वैसे जो मैंने रिमूव किया था, ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई एक्सटेंशन है जेल नेल्स कराऊंगी, इन फ्यूचर मेरा मन किया कि मेरे नेल्स ठीक लग रहे हैं, मैं दोबारा करा लेती हूँ, रिमूव करते टाइम आई प्रॉमिस आई विल शूट अ वीडियो फॉर यू गाइस, सो दैट आपको दिख जाए कि मैं इसको रिमूव कैसे करती हूँ। 500 से 600 रुपीज सैलून में देना मेरे बस की बात नहीं है कि रिमूव करवाने के लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे दूँ। फिर इसमें आपको एक और साइड मिलती है बफ करने के लिए, यहाँ से आप बफिंग कर सकते हो, जब आप जेल नेल्स भी कराते हो ना, वो अच्छे से आपकी बफिंग करते हैं, सो दैट एक अनइवननेस हो उसके ऊपर, जेल नेल्स आपके अच्छे स्टे करें। और फोर्थ इसमें साइड आपको मिलती है पॉलिश, इसको यूज़ करने के बाद आपका नेल एक्चुअल में शाइन करता है। इसको आप नॉर्मली ऐसे रब करोगे ना अपने नेल के ऊपर, ज़्यादा एक्सेसिव मत करना, बिकॉज अगेन ऊपर से नेल बेड आपका खराब हो जाता है, लेकिन हल्का फुल्का कोई मन करे, आपको एक शाइनी नेल चाहिए, आप नेल पेंट लगा रहे हो, आपको एक स्मूथ एप्लीकेशन चाहिए, तो आप ये पॉलिश साइड यूज़ कर सकते हैं। दीज टू डेफिनेटली मेड माई लाइफ ईजी, अगर आप रिमूव करना चाहते हो अपने जेल एक्सटेंशन या फिर जो भी जेल नेल्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए ये टूल काफ़ी काम आता है, बिकॉज ये वाली जो साइड है ना, काफ़ी अच्छे से उसके सारे जो कलर पेंट होता है वो सब निकाल देता है। और ये टूल ओवरऑल मुझे बैग में कैरी करने के लिए भी अच्छा लगा, बिकॉज मैं आपको सारी चीज़ें एक ही के अंदर मिल रही है। सो जेल नेल्स और एक्सटेंशन का दुख तो आप सुन ही चुके हो, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, अच्छे लगते हैं, प्रिटी लगते हैं नेल्स, तो मेरा भी मन था कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ ढूंढने का। सो रैंडमली हम एक बार ना करोलबाग गए थे, हम गफार चले गए, मैं काफ़ी जाती हूँ गफार में, अगर आपको नहीं पता आप दिल्ली में रहते हो, गफार में खाली मोबाइल फोन और कवर नहीं मिलते, आप पतली पतली गलियों में जाओ, आपको इतनी बढ़िया बढ़िया वहाँ पे शॉप्स दिखेंगी। सो वहाँ रैंडमली हम एक शॉप पे गए जो सारा नेल से रिलेटेड सामान सेल करती हैं, लाइक वो सैलॉन्स के लिए भी सेल करती हैं और सिंगल परचेज के लिए भी, वहाँ पर आपको एक्सटेंशन जेल नेल्स के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है ना वो मिलती हैं। तो वहाँ पर हमें दिखे ये स्टिक ऑन नेल्स बेसिकली, जिनको आप स्टिक कर सकते हो, और ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे थे, लाइक ये 250 रुपीज़ के हमें सेट्स मिल गए थे। दूसरा वाला मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ, तो मैंने इसको एक डब्बे में ट्रांसफर कर दिया, वाला डब्बा मैंने थ्रो कर दिया था। बट अगर आपने मेरा रिसेंट वीडियो देखी होगी दिवाली गेट रेडी विद मी की, जो मैंने मेकअप किया था, फेस्टिव वाला मेकअप किया था, मैक की जो मैंने शॉर्ट्स बनाई थी, उसमें मैंने ये वाले नेल्स यूज़ किए थे। सो ये रियल नेल्स नहीं थे, उस टाइम काफ़ी लोगों को लगा कि मैंने रियल नेल्स में दोबारा कोई एक्सटेंशन वगैरह कराया, बट ये एक्चुअल में स्टिकॉन्स हैं। और जो मेन गेम है ना आपके नेल्स को बचाने की, वो है स्टिकर्स। सो उनके पास ये स्टिकर्स भी थे, सो मैंने क्या किया, अलग से स्टिकर्स भी खरीद लिए थे, बिकॉज ये अमेजोन पे एक्सपेंसिव मिल रहे थे, मैंने इसके पीछे डाला हुआ है, बट ये मैंने सेपरेटली परचेज किया है। सो ये होते हैं स्टिकर्स बेसिकली, ये दिखते हैं कुछ इस तरह से, ये आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे, मैं नीचे लिंक कर दूंगी, बट डेफिनेटली ऑफलाइन के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव है। अमेजोन पे आई थिंक 40-50 रुपीज़ का एक ही मिल रहा है, और ये मैंने उस शॉप से 20 रुपीज़ का लिया है। सो ये कुछ इस तरह से होते हैं, और ये डबल टेप जैसे होते हैं, आई डोंट नो माय कैमरा इज फोकसिंग ऑन नॉट, या कैन यू सी। सो ये ऐसे आप पूरा निकालोगे, इसके ऊपर चिपकाओगे, फिर ऊपर की लेयर निकालोगे, और देन आप डायरेक्टली ये नेल स्टिक कर सकते हो। आई थिंक जब तक ये वीडियो लाइव जाएगी ना, मेरा इंस्टाग्राम पे ट्यूटोरियल जा चुका होगा, सो मेरे इंस्टाग्राम की रील्स पर जाना, मैं नीचे भी लिंक डाल दूंगी। मैंने जब फर्स्ट टाइम ये वाले नेल्स को यूज़ किया था ना, मैंने पूरी एक इंस्टाग्राम रील वीडियो बनाई थी कि मैं शूट करना चाहती थी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। बहुत लोगों ने मुझे DM पे भी बोला था कि शूट करना, बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मुझे जुगाड़ के लिए काफ़ी अच्छे लगे। द ओनली कॉन इज दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसे स्टिक ऑन डबल टेप जैसी चीज़ से चिपके हुए हैं, तो कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, या हल्का सा आप कुछ काम वाम करोगे लोड पड़ने वाला, तो ये काफ़ी जल्दी ऐसे हट जाते हैं, लेकिन आप दोबारा ये वाली टेप लेके स्टिक कर सकते हो। सो एक या दो घंटे के इवेंट के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा, या फिर शूट करने के लिए, बिकॉज मुझे जो मेन अपने नेल्स को दिखाना है अच्छा, मुझे शूटिंग के टाइम भी दिखाना है, कोई प्रोडक्ट शॉट होता है, कोई अच्छी ब्रांड का कोलैबोरेशन होता है, कुछ भी होता है, मुझे थोड़ा सा अपने नेल्स को अच्छा दिखाना होता है, तो मुझे उसके लिए ये जुगाड़ काफ़ी अच्छा लगा। एटलीस्ट मेरे रियल नेल्स ख़राब नहीं होंगे एक्सटेंशन या जेल करा के। ये ग्लू वाले नेल्स है, लेकिन इनको मैं ग्लू से नहीं लगाने वाली, इसको भी मैं इनके स्टिकर से ही लगाऊंगी। सो दिस इज अ सेट आई बॉट, ये कोई ब्रांड है उपला समथिंग करके, ये वाला मैंने लिया है, और ये वाले मैंने नेल्स और परचेज किए हैं। यहाँ पर आपको और एक्स्ट्रा मिलते हैं, इसमें आपको 24 नेल्स मिलते हैं, पहले वाले में भी 24 नेल्स ही थे, बिकॉज हर नेल का साइज अलग होता है, तो आप देख सकते हो आपके ऊपर कौन सा फिट बैठता है। सो इसमें शिमरी और ऐसे वाले पैटर्न के आपको दोनों नेल्स मिलते हैं, और ये रही नेल ग्लू। सो अगर आप ग्लू से लगाना चाहते हो, आप ग्लू से भी लगा सकते हो, बट अगेन वो ग्लू आपके नेल्स को ख़राब करेगी, आप जब ग्लू को रिमूव करोगे आपको खुद पेन फील होगा, नेल को फिर बफ करना पड़ेगा, ऊपर से हटानी पड़ेगी, तो मुझे ग्लू वाला जुगाड़ इतना अच्छा नहीं लगा। ग्लू से अच्छा तो मैं फिर एक्सटेंशन ही करा लूँ, वही बेटर है। बट एक या दो घंटे के इवेंट में अगर आप जाना चाहते हो ना, आई वुड से ये वाली टेप्स ले लो, डबल टेप्स, ये बहुत सही है नेल्स के लिए, आपका नेल स्टिक भी अच्छे से हो जाता है, अच्छे भी लगते हैं, और रात को आके आप रिमूव करके फिर अपनी रेगुलर लाइफ में कंटिन्यू कर सकते हो। मैं दोबारा ये वाली शॉप पे जाने वाली हूँ, मैं और लेकर आऊँगी, अगर मुझे ऑनलाइन ऐसे मिलते हैं तो मैं नीचे डाल दूंगी, बट आई थिंक 250 के अराउंड आपको नहीं मिलने वाले, बिकॉज ऑफलाइन और ऑनलाइन के रेट्स में थोड़ा सा फर्क होता है। अगर आप जा सकते हो गफार में, आप जाना, आपको वहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स मिलेंगे।
नेक्स्ट आइटम इज दिस कॉम्ब. अब आप सोचोगे एक रेगुलर कॉम्ब है कशिका, ये आपकी लाइफ कैसे इजी बना सकता है, बट ये रेगुलर कॉम्ब नहीं है, सो कुछ डिफरेंट है. सो ये मैंने वेगा का लिया था अमेजोन से, और इसमें नीचे जो हैंडल के ऊपर है ना, आप इसको खींचो, यहाँ से निकलता है क्लीनर. इट इज लिटरली अ कॉम्ब विद अ क्लीनर. मतलब क्या इनोवेशन लगाई है जिसने भी ये बनाया, बिकॉज ऑब्वियसली बाल झड़ते हैं, बहुत सारे बाल यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, निकलते नहीं है. हम ऐसे ऐसे करके भी जब निकालते हैं ना, वो बाल नहीं आ पाते. सो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी. आप जब भी आपको लगे आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल हो गए हैं, बढ़ गए हैं, मतलब कॉम्ब पर, बॉडी पर नहीं, यहाँ पर बाल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आप इसको ऐसे यूज़ करो, जस्ट गेट एवरीथिंग आउट वेरी वेरी ईजी. इनफैक्ट इसको तो मैं अपने ब्लो ब्रश के लिए भी यूज़ करती हूँ. जो मेरा एलन ट्रूमन का ब्लो ब्रश है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बाल स्टक हो जाते हैं, तो ये मैं उसके लिए भी यूज़ करती हूँ. इससे काफ़ी अच्छे से बाल निकल जाते हैं. आपको सेपरेटली अमेजोन पे भी मिल जाएगा. अगर आपके पास ऐसे कॉम्ब्स हैं ना, तो आप सेपरेटली कॉम्ब मत लो, मैं आपको एक सेपरेट लिंक दूंगी. अमेजोन पे मेटल टिप के ऐसे क्लीनर्स आते हैं, उसकी आगे की टिप मेटल की होती है, वो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, बिकॉज मेटल का तो लंबा चलेगा. उससे भी आप यूज़ करके क्लीन कर सकते हो, उसका थोड़ा सा और टीथ शार्प होता है. ये चीज़ मुझे 2-in-1 के लिए काफ़ी अच्छी लगी. अगर आप ब्रश लेना ही चाहते हो तो वाई नॉट बाई दीज. मिनीसो के भी ऐसे ब्रशेज आते हैं, मेरे पास एक और है मिनीसो का ब्रश, मैंने अभी उठा के रखा हुआ है, मैंने यूज़ नहीं किया. उसमें भी सेम आपको नीचे ऐसे मिलता है क्लीनर, आप निकालो और यहाँ से ऐसे क्लीन कर लो. अगर मुझे उसका लिंक मिलता है ना अमेजोन पे, तो मैं नीचे डाल दूंगी. बट दिस इज़ वेरी वेरी नाइस एंड इनोवेटिव. अगर आपको भी थोड़ा सा है कि साफ सुथरा रखना है ब्रशेज को, टाइम टू टाइम क्लीन करना है, आपको टूल नहीं मिलता, फिर हम वो पेंसिल पेन पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं, वो और अंदर इंक छोड़ देते हैं. सो उससे बेटर है ऐसा ब्रश ले लो, निकाल के साफ भी हो जाता है, वापस यहाँ लग भी जाता है, तो गुम होने का डर नहीं होता. द ओनली रीजन वाई आई लाइक दिस वन इज, काफ़ी बार छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना घर में, इधर उधर मिलते नहीं है, ये इसमें ऐसे अटैच्ड है ना, तो मुझे पता है ऐसे पीछे से निकालो, क्लीन करो और वापस लगा दो, एंड यू आर गुड टू गो. एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस बेला वीटा ऑर्गेनिक का ग्रो ब्राउ लैश ग्रोथ एंड वॉल्यूमनाइजिंग ऑयल. ये कुछ इस तरह से दिखता है, इसका पूरा टेक्स्ट उड़ चुका है, बिकॉज आप देख सकते हो मैंने कितना ये यूज़ कर लिया. मैंने रिसेंटली अभी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन शेयर किया था, मैंने उसमें भी आपको ये दिखाया था. सो मैं इसको रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक 2 months से. आई वॉन्ट से इसको लगाते हैं आपकी ब्राउज इतनी ग्रो हो जाएंगी, घनी हो जाएंगी, आपकी लैशेज बहुत घनी हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता. लैशेज की ग्रोथ अपने उस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, बट डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत हेल्प करता है. मेरा ओनली रीज़न इसको यूज़ करने का यही है कि हम बहुत सारी वीडियोज़ बनाते हैं, मस्कारा हमें यूज़ करना होता है, हम हैवी आई मेकअप करते हैं, फिर उसको जब रिमूव करते हैं आपकी लैशेज पर इफेक्ट होता है, आपकी लैशेज काफ़ी झड़ने लगती है, मस्कारा की वजह से भी लैशेज इफेक्ट होती हैं. तो रात को अगर आप स्किन केयर रूटीन करते हो अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए, सो वाई नॉट यूज़ समथिंग फॉर योर लैशेज टू. तो इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ. ये एकदम ऐसे मस्कारा की पैकेजिंग में आता है. अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, मैं यहाँ पर भी आई बटन में कहीं लिंक कर दूंगी अगर आप पूरा रूटीन देखना चाहते हो. बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एकदम मस्कारा जैसे ब्रिसल्स हैं, और इसमें एकदम वो टिपिकल जो ऑयल की खुशबू होती है ना, जो हेयर ऑयल की खुशबू भी होती है, वैसी वाली खुशबू आती है. और आप इसे ऐसे कॉम्ब कर सकते हो, इससे आपके एक एक लैश पर बहुत अच्छे से लगता है. मैं इसको लगाने के बाद ना अपनी फिंगर भी लेती हूँ काफ़ी बार, और ऐसे इसको स्प्रेड कर देती हूँ, सो दैट ये इवनली स्प्रेड हो जाए. आप इसको अपनी आईब्रोज पर भी लगा सकते हो, ये आईब्रो ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा है. सो दिस इज डेफिनेटली ईजियर दैन अप्लाइंग जस्ट दोज ऑयल्स, बिकॉज काफ़ी लोग कहते हैं कि कैस्टर ऑयल लगाओ, मैंने वो भी अलग से लगा के देखा है, बहुत थिक होता है. कोई कहता है वाइटामिन ई कैप्सूल लगाओ, वो भी बहुत ज़्यादा थिक ऑयल होता है. सो उनको लगाने में एक तो प्रॉब्लम बहुत आती है, बिकॉज उनको निकालो फिर ऐसे लैशेज पे लगाओ, नहीं लग पाता, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, एफर्ट्स भी लगता है, और अच्छे से वो अप्लाई भी नहीं हो पाता. सो दिस इज़ लाइक वेरी ईजी थिंग. इसके अंदर आपको सेम कैस्टर ऑयल मिलता है, वाइटामिन ई मिलता है, और भी उन्होंने और अच्छे अच्छे ऑयल्स डाले हुए हैं, उसका काफ़ी अच्छा ये कंकॉक्शन है, और इसका कंसिस्टेंसी काफ़ी लाइट है. आप देख सकते हो कितना ये पतली कंसिस्टेंसी का ऑयल है, ये बिल्कुल भी वो थिक फील नहीं होता. और जिसका मस्कारा एप्लीकेटर है ना, वो इसको और ईजी बना देता है अप्लाई करने के लिए. एक एक लैश के अंदर अच्छे से मस्कारा एप्लीकेटर वैसे अप्लाई भी हो जाता है, और काफ़ी ईजी रहता है. सो डेफिनेटली दिस मेड माई लाइफ ईजी. सो ये थे मेरे करंट फेवरेट प्रोडक्ट्स जिनसे मेरी जिंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुकी है. इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो प्लीज़ चेक करना. डू लेट मी नो आपका ऐसा कौन सा फेवरेट प्रोडक्ट चल रहा है जिससे आपकी लाइफ ईजी हुई है, कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना. एंड आज की जो लुक है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा. ये मैंने इंडिया का टॉप पहना हुआ है, बाय द वे थोड़ा सा पीछे के दिखाऊं. सो दिस इज अ पेपलम वाला टॉप, यहाँ पे ये बेल्ट पीस के साथ आती है, ये दिख नहीं रही थी फ्रेम में, ऊपर से तो ब्लाउज ही लग रहा है, बट ये एक्चुअली टॉप है. ये भी मैंने अमेजोन से लिया था इंडिया का, इसका भी लिंक मैं दे दूंगी. एंड आई थिंक ज्वेलरी इज फ्रॉम मीशो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसका लिंक नहीं होगा, लेकिन अगर अमेजोन पे कुछ सिमिलर मिलता है ऑक्सीडाइज में तो मैं डाल ही दूंगी. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना. ऑल्सो आई थिंक इस वीडियो के बाद अब मैं आपको दिवाली के बाद ही मिलने वाली हूँ इन लॉन्ग फॉर्म वीडियो. सो हैप्पी दिवाली यू गाइज, गॉड ब्लेस यू गाइज विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस, वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ. अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, खाना खाओ, सफाई करो घर की, डेकोरेट करो, पटाखे कम से कम फोड़ो यार. जितनी एनर्जी अपनी डेकोरेशन में, फोटोज़ खींचने में, अच्छा टाइम स्पेंड करने में करोगे ना, दिवाली अपने आप ही निकल जाएगी. आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने पटाखे नहीं फोड़े. थोड़ा कम से कम रखो पॉल्यूशन. एंड या दैट इज फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.